झुमरी तिलैया शहर में लचर विद्युत व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर बुधवार को विभिन्न वार्डों के निवर्तमान वार्ड पार्षदों ने विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता सुधांशु कुमार से मुलाकात की। निवर्तमान वार्ड पार्षद बाल गोविंद मोदी ने बताया कि शहर में लचर विद्युत व्यवस्था से परेशान नागरिकों के द्वारा उनके पास लगातार समस्याओं को रखा जा रहा था। पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिलने से लोग अपने घर के दैनिक कामकाज नहीं कर पा रहे हैं, वहीं लाइन नहीं रहने से बच्चों की भी पढ़ाई बाधित हो रही है। रात में लाइन नहीं रहने से शहरवासियों के रातों की नींद उड़ी हुई है। बाल गोविंद मोदी ने बताया कि जनता की इन समस्याओं को लेकर अधीक्षण अभियंता से मुलाकात करने के बाद उनके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि 15 दिनों में शहर की बिजली व्यवस्था में काफ़ी सुधार हो जाएगा। विभाग के द्वारा KTPA से मिलने वाले बिजली को 2 फीडर में बांटने की तैयारी चल रही है, इसके बाद से बिजली आपूर्ति की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। मौके पर निवर्तमान वार्ड पार्षद नीरज कर्ण, समीम आलम, निवर्तमान वार्ड पार्षद प्रतिनिधि प्रेम प्रकाश के अलावे मनोज शर्मा एवं मदन मोहन पांडे आदि मौजूद थे। ये हम लोग पूरे झुमरी तिलैया में बिजली की समस्या 7 से 8 घंटा मिलता है, जिस कारण हम पूरे शहर की जनता हम लोग पर दबाव बना रहा था कि जो बिजली की समस्या उसका कैसे निदान होगा। इस कारण हम लोग आज अशी साहब अधीक्षण अभियंता से मिलने आए कि शहर में बिजली समस्या का निदान कैसे हो। ये आश्वासन दिए कि जो 25 MVA बिजली KTPS से मिलता था उसमें 2 फीडर में डिवाइड करते हैं, एक आपका गौशाला फीडर और एक और फीडर, इसे हम लोग को बिजली का सुविधा 1 सप्ताह 15 दिन का समय दिया। मैं बहुत जल्दी झुमरी तिलैया का बिजली का निदान निकालें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।